हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एस सी मैथ ऑन लक्ष्य ट्वेंटी फाइव आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव सीरीज के सेट थ्योरी के ये दूसरा क्लास है इसके पहले भी हमने ए का क्लास कर चुके हैं एक उसके बाद आएगा लेकिन पहले ही सेट थ्योरी का डिमांड आया था इसीलिए सेट थ्योरी को ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद ठीक है चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है इन एन एग्ज़ाम फोर्टी नाइन परसेंट कैंडिडेट्स फेल्ड इन इंग्लिश थर्टी सिक्स परसेंट फेल्ड इन हिंदी And 15% fail in both subject. If the total number of candidate who passed in English alone is 630, what is the total number of candidate appeared in exam? to so, sir तो सर क्या हो जाएगा अब क्या हम लोग पास को लेके करेंगे या फिर फेल को लेके? सर फेल को लेके करेंगे तो बहुत ही तुरंत हो जाएगा कैसे तुरंत हो जाएगा देखिए सर एक चीज़ नॉर्मली समझते हैं कि 49% नाइन परसेंट फेल इन इंग्लिश तो हम लोग इसको इंग्लिश कर लेते हैं और इसको हिंदी कर लेते हैं ठीक पंद्रह प्रतिशत फेल्ड इन बोथ तो ये इंटरसेक्शन वाला सेक्शन क्या होता है कॉमन होता है तो ये मैंने आपको पढ़ाया था तो पंद्रह परसेंट फेल्ड इन बोथ अब देखो फोर्टी नाइन परसेंट इंग्लिश में है तो पंद्रह को हटाते हैं तो कितना होता है पांच और चार नौ ठीक है चार हो गया एक घट गया तो चौंतीस परसेंट चौंतीस प्रतिशत कहां पर फेल किया खाली इंग्लिश में खाली इंग्लिश में मैं जो मेंशन कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा खाली इंग्लिश में फेल कर रहा है कितना सर चौंतीस प्रतिशत अब देखो सर हिंदी में क्या दिया हुआ है हिंदी में दिया हुआ है छत्तीस परसेंट फेल हुआ है हिंदी में अब उसमें पंद्रह प्रतिशत मिल गया कॉमन में तो बाकी कितना हुआ सर इक्कीस परसेंट क्या हुआ फेल हुआ हिंदी में खाली हिंदी में ठीक है ये तो ख़त्म हो गया कहानी कि कितना प्रतिशत कैंडिडेट फेल्ड इन यहाँ पे क्या दिया हुआ है हुआ पे ये अच्छा यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग टोटल करते हैं टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा सर इक्की चौंतीस और इधर तीन दो पाँच छः साठ पैंसठ पैंसठ पाँच सत अच्छा इधर और तीन दो पाँच फिफ्टी फाइव प्लस फिफ्टीन मतलब सेवेंटीन पर सेवेंटी परसेंट क्या इस सेवेंटी परसेंट को हम लोग लिख सकते हैं ऐट लीस्ट एट लीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल हुआ है वन सब्जेक्ट में फेल्ड हुआ ठीक है इसका मतलब क्या है एटलीस्ट मिनिमम एक सब्जेक्ट में तो मैक्सिमम दो सब्जेक्ट सब्जेक्ट में भी फेल हो सकता है तो किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ कितना प्रतिशत सर तीस परसेंट किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ समझो मेरी बात को तीस परसेंट क्या है किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ ठीक है अब देखो वेंड्याग्राम कितना आसान हो जाएगा आपके लिए यहां पर तीस को लिख लेते हैं कि खाली तीस परसेंट बोध सब्जेक्ट में पास हुआ है किसी में हुआ है? मतलब है? सर, सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ मतलब क्या हुआ सर बोध सब्जेक्ट में फर्स्ट पास हुआ है यहां पे दिया हुआ है देखो 49% कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश अगर 49 इंग्लिश में फेल करता है तो बाकी कितना बचा हुआ है सर सर 51% बचा हुआ है होता है इंग्लिश में पास किया तो इंग्लिश में 30% परसेंट यहाँ पर मिल गया तो 21% क्या हो जाएगा सर इंग्लिश में पास किया ये इंग्लिश है ये हिंदी है अब समझो 36% हिंदी में फेल किया जिसमें अच्छा बच, और पास कितना किया सर सौ माइनस मतलब कितना होता है तीन चार लेते हैं तो सिक्सटी फोर पास किया हिंदी में अब देखो हिंदी में परसेंट यहां पर निकल गया और बाकी कितना हुआ चौतीस परसेंट पास किया यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश अलोन इज सिक्स थर्टी क्या ये इक्कीस परसेंट अलोन मतलब खाली इंग्लिश में पास हुआ है तो इक्कीस प्रतिशत का वैल्यू है इक्कीस प्रतिशत बराबर तिरसठ छ सौ तीस तो इक्कीस या तिरसठ होता है तो एक परसेंट का वैल्यू कितना है सत्तीस तो तीस वैल्यू आ गया मतलब तीस मार्क्स आ गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट तीस स्टूडेंट आ गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एपियर्ड इन एग्जाम तो कितना प्रतिशत सर सौ प्रतिशत मतलब कितना हो गया सर तीन हजार कैंडिडेट हो जाएगा ऑप्शन कहाँ है सर ऑप्शन नहीं तो नहीं दिया हुआ है तो तीन हजार कैंडिडेट ठीक है समझ में आया मैं क्या कह रहा था आपको बोला गया कि हु पास्ट इन इंग्लिश एलोन तो हमें एलोन को निकालने के लिए थोड़ा सा पेचीदा तरीके से जाना पड़ा लेकिन क्या यह आसान था हां सर चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड दैट सिक्सटी नाइन परसेंट ऑफ इंडियंस लाइक रोमांटिक मूवीज सिक्सटी वन परसेंट लाइक द एक्शन मूवीज वॉट परसेंट इंडियंस लाइक बोथ टाइप ऑफ मूवीज अब देखो सर दोनों को जोड़ लेते हैं तो 61 और 69 को जोड़ेंगे तो 9 एकम दस छः छः बारह एकम तेरह एक सौ तीस परसेंट हो जा रहा है ऑरिजिनली क्या है सर 100 परसेंट होना चाहिए था ज़्यादा कितना हुआ सर 30 परसेंट तीस परसेंट इज द करेक्ट आंसर क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश किया क्या आपको समझ में आया अब देखो नॉर्मली ये तो हो गया आपका क्वेश्चन एग्जाम में करने का तरीका अब नॉर्मली समझते हैं क्योंकि किसी क्वेश्चन को अगर आप दिल से समझ लोगे और दिमाग से समझ लोगे तो एग्जाम में अगर भूल भी जाओ कि किस तरीके से करना है प्रोसेस आपको याद रह जाता है ठीक है तो क्या करते हैं हम लोगों को क्या निकालना है इंटरसेक्शन बी तो यहाँ पे क्या है सर रोमांटिक मूवीज़ के लिए हम लोग आर ले लेते हैं एक्शन मूवीज़ के लिए ए हमें निकालना है इंटरसेक्शन नंबर ऑफ इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन ए ठीक है तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका सिक्सटी नाइन प्लस सिक्सटी वन माइनस ऑफ हंड्रेड ठीक है क्यों आया सर यूनिवर्सल सेट में सर से सौ था उसमें से ये और ये था इनमें इंटरसेक्शन निकाले तो सौ मतलब ये बाकी छोड़ देते हैं तो ये टोटल वैल्यू सौ होना चाहिए था ये टो टोटल वैल्यू सौ होना चाहिए था तो इसमें आ गया 130 तो कौन सा वाला र, र, रिपीट काउंट होता है सर ये बीच वाला रिपीट काउंट होता है तो ये बीच वाले को क्या कैसे निकालेंगे सर 130 सौ तीस माइनस सौ करेंगे तो ख़त्म कहा 30 आ गया आंसर क्या आपको दिक्कत हुआ आशा करते हैं नहीं हुआ चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मुझे समझ में आए आप किस तरीके से डाइवर्ट हो रहे हो ये समझाने के टाइम पे ठीक है तो मैं उस तरीके से आपको लेके चलने की कोशिश करूंगा चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है हम लोग पहले समझेंगे धीरे 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 करके हम लोग जाएंगे ठीक है इन ए सर्टेन सिटी ओनली टू सेलर मोबाइल फोन सर्विस आर अवेलेबल मतलब एक आ गया जियो दूसरा आ गया एयरटेल ठीक है यहाँ पे प्रोवाइड यहाँ पे ऐसा बोलना नहीं है नॉर्मली सोचते हैं वन इज रिलायंस एंड अदर इज डी एस एम एल ठीक है बी एस एन एल के जगह डी एस एम एल ले लिया रेडियंस सॉरी रेडियंस और डी एस एम एल ठीक है इट इज नोन दैट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द सिटी पॉपुलेशन यूजेज द सर्विस ऑफ रेडियंस एंड ट्वेंटी परसेंट यूजेज द सर्विस ऑफ डी एस एम एल ठीक है तो 25 प्रतिशत कितना है सर बाबू रेडियंस का यूज़ करते हैं और और कितना है सर डी एस एम एल का कितना सर ये डी एस एम एल और ये रेडियंस का इसका थोड़ा सा स्काई टाइप का होता है लोगो ठीक है थोड़ा सा औ, और ब्राइट स्काई ले लेते हैं ठीक है तो इसका ये हो गया क्या हो गया सर रेडियंस हो गया तो रेड ले लेते हैं तो इन दोनों का परसेंटेज कितना दिया हुआ है सर इसका दिया हुआ है पच्चीस प्रतिशत यूज करता है इसका दिया हुआ है यूज़ करता है। तो धीरे धीरे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं ठीक है अच्छा, बोथ रेडियस एंड डीएसएमएल तो ये वाला कितना हो गया सर एट प्रतिशत खत्म कहानी इट इज ऑल्सो नोन दर्टी परसेंट ऑफ दोज हु बट नॉट सर्विस ऑफ डी एस एम एल हैीपेड And those those who who service but not Radiance have prepared, prepared cards. While 50 of those who uses service of both Radiance and डी have एम cards. What percentage of the population have हैीपेड card? ये थोड़ा सा आपके लिए पचीदा होना स्टार्ट हो गया ठीक है समझते हैं देखो यहाँ पे एट percent आ गया तो यहाँ पे रेडियंस में और कितना बचा हुआ है सर कॉमन सेक्शन में कितना आ गया सर आठ प्रतिशत कॉमन सेक्शन में आ गया तो रेडियंस में बचा हुआ कितना है सर आठ से आठ सात पंद्रह सत्रह प्रतिशत रेडियंस में बचा हुआ है और इधर कितना हुआ है? सर बारह प्रतिशत बचा हुआ है डी एस एम एल में बचा हुआ है ठीक है अब देखो सम, समझते हैं तो यहां पे क्या दिया हुआ एट परसेंट यूजेस हो गया इट इज नोन दैट थर्टी परसेंट ऑफ दोज हु रेडियंस सर्विस बट नॉट सर्विस डीएसएमएल कौन सा वाला वैल्यू है सर सत्रह वाला वैल्यू तो हम लोग क्या करते हैं इसको ये वाला तीस और पच्चीस मतलब पैंतालीस में ही सोच लेते हैं ठीक है तो ये तीस परसेंट ऑफ कितना ऐसा? 17 है सर सेवेंटीन है प्लस और क्या दिया हुआ दोज डीएसएमएल बट नॉट फोर्टी परसेंट तो फोर्टी परसेंट ऑफ खाली डीएसएमएल तो फोर्टी परसेंट ऑफ फोर्टी परसेंट ऑफ खाली डीएसएमएल मतलब बारह प्लस और क्या दिया हुआ है फिफ्टी परसेंट दोज हु बोथ द रेडियंस तो फिफ्टी परसेंट ऑफ रीट मतलब चार ही ले, ले लेते हैं तो थर्टी परसेंट ऑफ सत्रह मतलब सर इंटू सत्रह अपॉन हंड्रेड ठीक है तो यहाँ से कितना आता है सत्रह तीन इक्यावन फिफ्टी फिफ्टी वन फाइव पॉइंट वन हो जा रहा है तो पहला वाला आ गया आपका फाइव पॉइंट वन पहला वाला आ गया फाइव पॉइंट वन दूसरे वाले में चार बारह चार चार, चार चार से बारह बारह चार चार आठ अड़तालीस अड़तालीस फोर पॉइंट एट अच्छा प्लस फोर तो इनको जोड़ते हैं कितना होता है सर पाँच चार नौ नौ चार तेरह तेरह दशमलव नौ प्रतिशत इज द करेक्ट आंसर ओके ऑप्शन नंबर सी ठीक है समझ में आया बोला गया था कि रेडियंस में 17 परसेंट जो वैल्यू है 17 परसेंट रेडियंस वाले में से 30 परसेंट तो 17 का 30 परसेंट निकाल लिए ठीक है और फिर 40 परसेंट में से 12 परसेंट सॉरी 12 के 40 परसेंट मतलब खाली डीएसएमएल वाले तो उसको भी निकाल लिए उसके बाद फिफ्टी परसेंट ऑफ एट एट परसेंट तो उसका फोर निकाल लिए तो टोटल कितना हुआ सर थर्टीन पॉइंट नाइन परसेंट इज द करेक्ट आंसर क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ आशा करते नहीं हुआ ठीक है चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अभी थोड़ा सा हम लोग तीन अगर वेन डायग्राम दिया हुआ रहता है हमें हमारे पास तो हम लोग क्या करते हैं सर वो समझने की कोशिश करते हैं कि तीन वेन डायग्राम को कैसे हम लोग डील करेंगे ठीक है तो देख लेते हैं तीन वेन डायग्राम ऐसा ले लिया हमने अच्छा अब क्या होगा सर अब ऐसा चीज़ होना चाहिए कि हमें बोला जा रहा है कि खाली सपोज़ ये पी सेट है और ये सपोज क्यू सेट है और ये सपोज आर सेट है तो ये जो रीजन है क्या ये खाली पी को डिनोट करता है हाँ सर अच्छा खाली ये जो रीजन है क्या ये खाली क्यू को डिनोट करता है हां सर अच्छा अब देखो नाम दे दे के मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ए वाले बी वाले सी वाले ठीक है तो ए जो रीजन है क्या आपको ए, ये ए रीजन खाली सपोज मेरे पास एक ऐसा दिया हुआ है कि तीन बुक है पी क्यूआ तीन न्यूज पेपर है पी क्यूआर तीन न्यूज पेपर है थ्री न्यूज ठीक है थ्री न्यूज पेपर्स तो इसमें से खाली जो ए है ए वाला सेक्शन मतलब ये वाला सेक्शन को ए हम लोग डिनोट करने का कोशिश कर रहे हैं ये वाला सेक्शन को क्या ये ए, ए सेक्शन इक्वल्स टू ओनली रीड ओनली रीड पी न्यूज़पेपर बी ओनली रीड क्यू न्यूज़ पेपर सी ओनली रीड आर न्यूज क्या आपको समझ में आया अब देखो अगर हम लोग कॉमन सेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं ये एक ये वाई ये जेड आया तो एक्स क्या है जो खाली ए और बी रीड करता है सॉरी पी और क्यू रीड करता है बट आर नहीं रीड करता है, ऐसा पीपल तो Y क्या हो जाएगा जो खाली B और C मतलब यानी कि Q और R रीड करता है लेकिन P रीड नहीं करता है जेड क्या हो जाएगा पी और आर रीड करता है क्यू रीड नहीं करता क्यू देखो कॉमन सेक्शन कौन सा कौन सा का है पी और क्यू का पी और आर का ठीक है इसीलिए ऐसा होता है क्या आपको समझने में कोई दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे अगर ये वाला सेक्शन हम लोग निकाल ले तो क्या हो जाएगा सर ये तीनों ही पेपर रीड करता है एक्स वाई जेड मतलब ये वाला सपोज हम लोग ऐसा नाम देते थे एक्स वाई जेड पी नाम देते अच्छा पी तो दिया हुआ है के नाम दे देते ठीक है तो ये जो सेक्शन है के वाला ये क्या हो जाएगा सर आपका के सेक्शन हो जाएगा जो तीनों ही न्यूज पेपर रीड करता है ठीक है ऑल द थ्री न्यूज पेपर अब यहां पे एक एक फॉर्मूला हम लोग लिख के रख लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए ठीक है जैसे आपको बोला गया कि नंबर ऑफ पीपल खाली रीड करता है पी ओनली पी नंबर ऑफ पीपल रीडिंग पी न्यूज पेपर ओनली नहीं दिया हुआ है पी न्यूज़पेपर तो क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस के प्लस जेड ये आप लिख सकते हो ठीक है खाली बोला गया क्यू न्यूज पेपर रीड करता है बी प्लस एक्स प्लस के प्लस वाई और आर के बारे में कुछ नहीं बताया गया खाली बोला गया आर रीड करता है तो क्या लिख सकते जेड प्लस के प्लस वाई प्लस सी लिख सकते हैं जो एक बताओ ऐसे पी और क्यू पी और क्यू रीड करता है बट नॉट बट नॉट आर बट नॉट आर ठीक है बट नॉट आर ये लिख लेते हैं नॉट इक्व टू मतलब आर रीड नहीं करता है तो क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस बी आपको समझने में कोई दिक्कत आया देखो यहां पे आर कॉमन सेक्शन को हटा देता है खाली जो बोला जाए अगर आर और क्यू आर और क्यू रीड करता है और क्यू रीड करता है लेकिन नॉट पी तो क्या हो जाएगा वाई प्लस बी प्लस सी सॉरी बी प्लस वाई प्लस सी लिख सकते हैं ठीक है अगर बोला जाए कि पी और आर रीड करता है पी और आर रीड करता है लेकिन क्यू नहीं रीड करता है तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस जेड प्लस सी मज़ा तब आएगा जब यहाँ पे एक ऐसा चीज़ हो जाएगा कि बोला गया है कि ओनली वन न्यूज़पेपर रीड करता है ऐसा बताओ आप बताओ ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा ओनली वन न्यूज पेपर रीड करता है अगर बोला जाए कि सर जो ओनली टू न्यूज पेपर रीड करता है ये ओनली वन हो गया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा ओनली टू ओनली टू न्यूज पेपर ये ओनली ठीक है दिमाग के ऊपर बत्ती जला लो ये ओनली है ठीक है ये क्वेश्चन ऐसा ही आता है बाबू जो फंस जाता है स्टूडेंट की एटलीस्ट एटमोस्ट में मैं आपको एटलीस्ट का भी फॉर्मूला दे दे रहा हूँ ऐसे तीन ही वेन डायग्राम रहेगा एटलीस्ट का ही क्वेश्चन रहेगा फिर करने जाओगे फिर दिक्कत आ जाएगा उससे अच्छा इस फॉर्मूला को धीरे धीरे लिखते जाओ ठीक है सब न्यूज़ हमने बोल दिया था के ठीक है अब देखो यहाँ पर बोला गया कि एटलीस्ट वन न्यूज रीड करता है एटलीस्ट एट लीस्ट वन न्यूज पेपर ठीक है वन न्यूज़ पेपर कितना हो जाएगा सर वैल्यू सर देखो ए प्लस बी प्लस सी तो हो गया वन न्यूज़ पेपर ऐट लीस्ट तो x प्लस वाई प्लस डेड हो जाएगा हाँ सर x प्लस वाई प्लस जेड भी हो जाएगा तो उससे ज़्यादा तो हो सकता है ना हाँ सर हो सकता है प्लस के हो जाएगा हाँ मतलब समझो एटलीस्ट मतलब होता है कि मिनिमम एक ही न्यूज़पेपर रीड करता है तो क्या दो न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं हाँ, हाँ सर उन लोगों को भी ले लिए क्या तीन न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं हाँ सर उन लोगों को भी ले लिए ये तो हो गया एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर अब देखो अब अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि एटलीस्ट टू न्यूज़पेपर एटलीस्ट एटलीस्ट टू मतलब क्या हो जाएगा सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के बराबर एटलीस्ट टू टू मतलब दो वाले सेक्शन को भी लेंगे और तीन वाले सेक्शन को भी लेंगे तब जाके एटलीस्ट टू हमारे दिमाग में सही फिट आएगा ठीक है अगर आपको बोला गया कि टोटल नंबर ऑफ रीडर्स कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रीडर्स जो एटलीस्ट वन वाला था ना वही आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ रीडर ठीक है आपको समझ में आया ये जाके खाली फंसता है आप लोगों को और कुछ नहीं एटलीस्ट टू मतलब जो दो भी पढ़ सकता है और थ्री भी पढ़ सकता है ठीक है तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास हम लोग इसका दो तीन एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए उसके बाद बाकी वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कितना आया था जो एकदम आसानी लगेगा आपको ठीक है ये सब करने के बाद इन ए ग्रुप ऑफ हंड्रेड चिल्ड्रेन पहले ही दे दिया ग्रुप ऑफ हंड्रेड चिल्ड्रन ठीक है टोटल यूनिवर्सल सेट का नंबर कितना हुआ हंड्रेड हो गया थर्टी टू प्लेज हॉकी सिक्सटी फोर प्ले फुटबॉल फोर्टी प्ले क्रिकेट ठीक है फोर्टी परसेंट चौदह परसेंट प्ले हॉकी एंड फुटबॉल पंद्रह परसेंट प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट थर्टीन परसेंट प्ले हॉकी एंड क्रिकेट ओनली सिक्स परसेंट पे प्ले ऑल द थ्री गेम्स ठीक है एक ही क्वेश्चन के अंदर हमारे पास तीन क्वेश्चन आ गया देखो एबीसी बी सी तीन क्वेश्चन दिया हुआ है जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछता है इससे और भी ज्यादा स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है ये कैट का क्वेश्चन है ये 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 मत समझो कि टफ है है बहुत ही बेहतरीन सवाल जो बोलते हैं कैट क्वेश्चन कैट क्वेश्चन ये हवा चढ़ा देता है उनको मत सुनो वो गलत कर रहे हैं कुछ दिक्कत नहीं है ये बहुत ही आसान से सवाल है खाली तीन क्वेश्चन देख के मैंने आपके लिए पिक किया ताकि आपको ऐसा लगे कि एक ही क्वेश्चन में आप इतना समझ जाओ कि आपका ग्रुप डी का जितना भी सारा क्वेश्चन है आप कर पाओ ठीक है देखो सौ चिल्ड्रन का ग्रुप दिया हुआ है हम लोग क्या निकालेंगे सर तीन ऐसे गोला ले लेते हैं एक गोला दूसरा गोला और तीसरा गोला ठीक है ये वाला लास्ट वाला तो गोला नहीं हुआ गुबला हो गया अच्छा छोड़ो ना कुछ दिक्कत नहीं है अच्छा ठीक है छोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था सर सर यहाँ पे दिया हुआ था अच्छा एक बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसको थोड़ा क्या करते हैं थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग अच्छे से राउंड करके बनाते हैं जो इंटरसेक्शन थोड़ा सा अच्छा है तीसरा वाला का कलर कलर अलग कर देते हैं इंटरसेक्शन सही आने के लिए ठीक है हमारे पास कोई दिक्कत है आशा करते नहीं है चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ ये हॉकी ले लेते हैं अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ ये फुटबॉल ले लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ ये क्रिकेट ले लेते हैं ठीक है आपको कोई दिक्कत है अच्छा एक चीज़ देखो एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया सर थर्टीन परसेंट प्ले सिक्स परसेंट प्ले ऑल थ्री गेम्स तो छः प्रतिशत यहाँ पर कर लेते हैं ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है देखो फोर्टीन परसेंट प्ले हॉकी एंड फुटबॉल तो हॉकी एंड फुटबॉल वाले कॉमन सेक्शन में क्या ये छः परसेंट भी आ गया हाँ सर आ गया तो हमें क्या और बाकी बाकी कितना रह गया सर सर चौदह में से आठ देखो ये बैक में जाना पड़ता है हमको यहाँ पर दे दिया कि तीन पीपल कितना कौन सा वाला है ठीक है हमने इसको ले लिया छह प्रतिशत कि तीनों गेम खेलता है अब देखो चौदह परसेंट में हॉकी एंड फुटबॉल में था मतलब ये टोटल वाला सेक्शन चौदह प्रतिशत था जहां जहां हैच लाइन खींच रहा हूँ आप समझ के देखना कि आपको समझ में आ रहा है ये वाला सेक्शन होता है हॉकी एंड फुटबॉल का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला सेक्शन जिसमें से हमें क्या मिल गया छः परसेंट मिल गया यहाँ पे घटा दिए तो बचा कितना हुआ आठ बचा हुआ है ठीक है अब चलते हैं दूसरे बाबू के पास कितना फुटबॉल और क्रिकेट के पास पंद्रह प्रतिशत था फुटबॉल और क्रिकेट में छः परसेंट ले लिए नौ परसेंट बचा हुआ है और बाकी चलते हैं किसके पास चलेंगे सर हम लोग चलते हैं क्रिकेट एंड हॉकी के पास क्रिकेट एंड हॉकी के कितना तेरह परसेंट था छः ले लिए तो सात हो गया खत्म कहानी अब देखो धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है हॉकी में कितना ले लिए आठ छः के चौदह और सात सात चौदह इक्कीस इक्कीस प्रतिशत ऑलरेडी आ गया हॉकी में हॉकी में कितना प्रतिशत था सर थर्टी टू परसेंट था इक्कीस आ गया और बचा कितना हुआ है सर ग्यारह बचा हुआ है तो ग्यारह परसेंट यहाँ पर हो गया हॉकी ठीक है अब देखो सर यहाँ पे क्या दिया होता सर चालीस परसेंट क्रिकेट है तो क्रिकेट में चालीस चालीस में से कितना ले लिया नौ सात सोलह सोलह और छः छः बारह बाईस तो बाईस ले लिए मतलब अठारह बचा हुआ है तो अठारह बचा हुआ है क्रिकेट में अब देखो सर और क्या दिया हुआ है और दिया हुआ है देखो थर्टीन अच्छा फोर्टीन परसेंट और क्या सर क्रिकेट हो गया सिक्सटी फोर परसेंट फुटबॉल है तो फुटबॉल सिक्सटी फोर परसेंट था उसमें से कितना हो गया नौ नौ छः पंद्रह पंद्रह और आठ तेईस तेईस ले लिए तो कितना हो गया सर दो चार छः चार इकतालीस परसेंट यहाँ पे फोर्टी वन आ गया अब क्या मांगा है ख़त्म कहानी क्वेश्चन हो गया और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है ठीक है मैंने आपको कहा था कि डायग्राम में इतना डिटेल्स में आपको समझाऊंगा कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा आशा करते हैं यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आया फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं देखो क्या दिया हुआ था कि सर 32 परसेंट प्ले हॉकी मतलब हॉकी वाला ये जो सेक्शन है टोटल कितना हो जाएगा सर 32 परसेंट क्या हमने 32 परसेंट किया देखो 11 और 8 कितना होता है 20 और 7 और 6 कितना होता है सर सात छः 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 बारह एकम तेरह ठीक है तो तीन आ गया तीन तैतीस परसेंट हो गया तो यहां से कुछ गलत हुआ अच्छा देखते हैं ग्यारह और आठ उन्नीस होता है सॉरी 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 उन्नीस और सात छः तेरह तो नौ तीन बारह बत्तीस तो थर्टी टू परसेंट देखो हॉकी में आ गया थर्टी टू हॉकी में आ गया अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था सिक्सटी फोर परसेंट फुटबॉल में था तो सिक्सटी फोर को फुटबॉल में लाना था देखो फोर्टी वन और एट फोर्टी वन और नाइन कितना होता है फिफ्टी और आठ छः के चौदह तो सिक्सटी फोर आ गया सिमिलरली नौ अठारह सत्ताईस होता है सत्ताईस और सात कितना होता है सात सात चौथा चौंतीस चौंतीस और छह चालीस तो क्रिकेट में कितना दिया हुआ था सर चालीस परसेंट क्रिकेट दिया हुआ था ठीक है कोई दिक्कत आया तो क्यों ऐसे हमने बैक में किया देखो कॉमन से हम लोग अगर जाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा नहीं तो फिर से पहुँचना पड़ेगा आप लिखोगे फिर चालीस लिख रहे आ, अच्छा बत्तीस लिखा बत्तीस में से ये चल गया आठ और फिर हटाओ आठ चौके बारह चौबीस रह गया फिर से पूछो इसीलिए हम लोग बैक से स्टार्ट किया ठीक है अब देखते हैं क्या दिया हुआ है हाउ मेनी चिल्ड्रेन प्ले वन गेम वन गेम कितना है सर देखो ये वाला सेक्शन किसी का इंटरसेक्शन नहीं है तो ये वन गेम है ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं ग्यारह जोड़ते हैं प्लस फोर्टी वन जोड़ते हैं प्लस एट्टीन जोड़ते हैं एट्टीन अच्छा फोर्टी वन और ग्यारह कितना होता है सर फिफ्टी टू और एटीन कितना होता है सर आठ दो न दस मतलब साठ दस सत्तर सत्तर इज द करेक्ट आंसर पहले वाला का आंसर है सत्तर ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरे का क्या हो जाएगा सर सर दूसरे का आ जाएगा क्या दिया हुआ है हाउ मेनी चिल्ड्रेन प्ले एटलीस्ट टू गेम्स मतलब अगर एटलीस्ट टू गेम्स मतलब थ्री भी प्ले कर सकता है ठीक है तो सर यहां पे था आठ आठ और सात कितना होता है एटलीस्ट टू पहले टू वाले को निकालते हैं तो क्या हो जाएगा सर आठ प्लस सात प्लस नौ प्लस तीनों गेम जो खेलता है छो तो आठ छो चो के चौदह चौदह और सात इक्कीस इक्कीस और नौ कितना हो गया तीस हो गया आपका आंसर क्या आपको दिक्कत आया अब देखो क्या दिया हुआ है हाउ मेनी चिल्ड्रेन प्ले हॉकी और फुटबॉल बट नॉट क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल खेलता है क्रिकेट नहीं है तो क्रिकेट वाले को ना हटा दो तो कितना हो जाएगा सर इकतालीस और यहाँ पे ग्यारह मतलब फिफ्टी टू फिफ्टी टू और एट कितना हो जाएगा सर साठ हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहीं पे ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है तो साठ आंसर है ठीक है सर और एक एग्जाम्पल देखेंगे अच्छा ठीक है चलिए देख लेते हैं और एक एग्ज़ाम्पल क्या दिया हुआ है इन ए हॉस्टेल हंड्रेड स्टूडेंट कैपेसिटी ख़त्म करानी सौ स्टूडेंट का बयालीस आर साइंस ग्रेजुएट 34 फोर आर लॉ ग्रेजुएट एंड 58 एट आर कॉमर्स ग्रेजुएट ये भी खत्म कहानी एट स्टूडेंट आर साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट थर्टीन स्टूडेंट्स आर लॉ एंड कॉमर्स ग्रेजुएट एट्टीन स्टूडेंट्स आर कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट हाउ मेनी स्टूडेंट आर ओनली साइंस ग्रेजुएट अब ये कॉमन वाला सेक्शन हमें निकालना है कौन सा जो तीनों का कॉमन सेक्शन है मतलब इंटरसेक्शन वाला तीन इंटरसेक्शन वाला निकालना है ठीक है जो हमें नहीं दिया हुआ है वो अगर दे देता ख़त्म कहानी बहुत जल्द हो जाता लेकिन दिया तो नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं कोशिश करते हैं उसको निकालने का ठीक है कौन सा वाला सेक्शन का बात कर रहे हो सर सर ये वाला सेक्शन देखो नहीं दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है सर हम लोग क्या सोचते हैं ये साइंस लिख लेते हैं ये क्या है सर लॉ ग्रेजुएट है ये क्या है कॉमर्स ग्रेजुएट है ठीक है साइंस का कितना दिया हुआ है सर टोटल दिया हुआ है फोर्टी टू दिया हुआ है साइंस का अच्छा लॉ का कितना दिया हुआ है थर्टी फोर दिया हुआ है एंड इसका कितना दिया हुआ है सर इसका दिया हुआ है फिफ्टी एट यहाँ पर दिया हुआ है एट आर साइंस एंड लॉ ग्रेजुएट तो टोटल कितना हो सर सर ये वाला सेक्शन टोटल समझो मेरी बात को ये वाला सेक्शन हम लोग पहुँचेंगे इसके बाद ये दोनों मिला के कितना दिया हुआ है सर ऐसा हम लोग एरो ऐसा दे देते हैं ये दोनों मिला के दिया हुआ है आपका एट स्टूडेंट ये दोनों मिला के दिया हुआ है आपका तेरह स्टूडेंट देखो तेरह स्टूडेंट्स आर लॉ एंड कॉमर्स ग्रेजुएट लॉ एंड कॉमर्स ग्रेजुएट तेरह अच्छा ये दोनों सेक्शन मिला के आपको कितना दिया हुआ है सर अठारह स्टूडेंट दिया हुआ है जो कॉमर्स एंड साइंस ग्रेजुएट तो बोलोगे सर इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए हम लोगों के पास कितना दिया हुआ है सर चौंतीस और बयालीस और ये फिफ्टी एट इन तीनों को मिला के ऐसे कॉमन टोटल मिला के अगर हम लोग ये वाला सेक्शन को ऐसा पकड़ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ सर सौ दिया हुआ है ठीक है कोई दिक्कत है ऐसा करते नहीं है लेकिन और एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर अगर जोड़ेंगे सर ये देखो ये अगर टोटल वाला सेक्शन ऐसा है अच्छा अब किस तरीके से समझोगे मैं समझाने का कोशिश करता हूँ एक मिनट ठीक है अच्छा ये वाला सेक्शन सब सब का ना हम लोग नाम ऐसा दे देते हैं क्या ए बी सी जेड एक्स वाई के जैसे हमने पहले भी नाम दिया था वैसे ही नाम दे देता ठीक है अब सर एक चीज़ सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है सर पहले बोला गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के बराबर आपको क्या दिया हुआ है सर सौ दिया हुआ है क्या आपको समझ में आया पहले सौ दिया था अब क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है एक प्लस एक्स प्लस के प्लस जेड बराबर फोर्टी टू दिया हुआ है ए प्लस यहाँ पे होगा बी प्लस अच्छा दूसरा इंक ले लेते हैं आपके लिए बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस के ये कितना दिया हुआ है सर ये दिया हुआ है थर्टी फोर लॉ वाले स्टूडेंट टोटल ठीक है और c प्लस जेड प्लस के प्लस वाई के प्लस वाई ये कितना दिया हुआ है सर ये दिया हुआ है फिफ्टी एट तो इनको जोड़ने का कोशिश करता है कितना आता है देखते हैं तो a प्लस बी प्लस सी आ गया a प्लस बी प्लस सी आ गया प्लस यहाँ पे आ गया आपका टू एक्स आ, आ गया प्लस यहाँ पे आ गया एक दो टू वाई आ गया टू वाई आ गया प्लस यहाँ पे आ गया आपका कितना आ गया सर जेड कितना सर टू जेड आ गया टू जेड आ गया और कितना आया यहाँ पे आ गया आपका के आ गया कितना टू के थ्री के आ गया ठीक है इक्वल्स टू कितना आ रहा है सर इक्वल्स टू आ रहा है इधर आ रहा है आठ चौके बारह आठ चार बारह तीन आठ चार बारह तीन बारह और दो आठ चार बारह दो चौदह चार, चार कैरी रिफोर्ड वन और इधर पाँच पाँच चार नौ चार नौ चार तेरह एक सौ चौंतीस आ गया ख़त्म ठीक है टोटल इतना आ गया अब हमें ये के सेक्शन क्या निकालना है के सेक्शन का वैल्यू निकालना है देखो सर x प्लस वाई प्लस जेड एक टू एक्स प्लस टू एक वाई प्लस टू जेड का वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के का वैल्यू है तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी और एक्स प्लस वाई प्लस जेड को हटा सकते हैं अच्छा देखते हैं क्या होता है सर कुछ दिक्कत आता है या फिर कुछ निकालने का कोशिश करता है ठीक है तो यहाँ से क्या आ गया आपका यहां से आ गया ए प्लस बी प्लस जेड ठीक है अच्छा यहाँ से और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखो हम लोग ये कर सकते हैं अगर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर हम लोग अल्फा ले, ले लेते हैं b प्लस अच्छा ये x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हम लोग बीटा ले लेते हैं ये थोड़ा सा समझने के लिए ये क्वेश्चन आपको टफ़ लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है और यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग गामा ले लेते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सौ दिया हुआ है पहला वाला और दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है सर अल्फा प्लस टू बीटा प्लस थ्री गामा क्या दिया हुआ है आपको आपको दिया हुआ है एक सौ चौंतीस दिया हुआ है तो यहाँ से क्या होता है सर यहाँ से इसको और इसको माइनस करने का कोशिश करता है तो हमें क्या मिल जाएगा सर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा इन दोनों को माइनस करते है तो बीटा प्लस टू ग इक्वल्स टू कितना मिल रहा है सर यहाँ से आ जा रहा है आपका वन थर्टी फोर और माइनस मतलब अच्छा देखते हैं अच्छा और एक और एक और एक और एक और एक और एक वैल्यू आएगा और एक आ वैल्यू आएगा देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर दिया हुआ देखो तेरह अठारह और आठ स्टूडेंट ठीक है यहाँ से और क्या मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस के बराबर कितना हो रहा है सर आठ और आठ और अठारह कितना होता है आठ आठ सोलह छब्बीस छब्बीस और तेरह 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 छब्बीस तेरह तेरह उनतालीस ठीक है तो यहाँ से कितना आ जा रहा है अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हमने कितना पकड़ा था सर बीटा और के का वैल्यू कितना था सर सर हर एक में के लिखेंगे मतलब थ्री था ठीक है हर एक में ये देखो एक्स प्लस के एक्स प्लस के लिखा वाई प्लस के वाई प्लस के लिखा तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था तो बीटा प्लस थ्री गामा थ्री गामा इक्वल्स टू आपका थर्टी नाइन आया बीटा प्लस थ्री गामा इक्वल्स टू थर्टी नाइन इनको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो अल्फ़ा बीटा कैसे मिलेगा सर अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा को निकालने का कोशिश करेंगे तो हमें मिल जाएगा इससे इसको निकालते हैं तो कितना आता है अल्फा प्लस बीटा आ जाता है तो कितना आ जाएगा सर वन थर्टी फोर से थर्टी नाइन हटाओ देट इज इक्वल्स टू नाइनटी फाइव तो गामा के वैल्यू कितना आ जाएगा सर गामा के वैल्यू आ जा रहा है सौ माइनस नाइन्टी फाइव मतलब फाइव ठीक है अल्फा प्लस बीटा ग्लास गामा से गामा वाला कौन सा था सर के को हमने गामा पकड़ा था के को हमने गामा पकड़ा था ठीक है क्या आपको समझ में आया हमने के को गामा पकड़ा था मतलब कॉमन वाला सेक्शन पांच आ गया अब जाके क्वेश्चन खत्म हुआ ठीक है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ओनली इन साइंस ग्रेजुएट तो ये वाला पांच अगर आ गया तो ये तीन आ गया तो पांच और तीन आ गया तो जेट का वैल्यू कितना आ रहा पांच आ रहा है मतलब ये तेरह आ गया तेरह पांच अठारह तो इस खाली बयालीस में से हमें क्या निकालना है फोर्टी थ्री से हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं पाँच और तीन कितना होता है आठ और इधर तेरह और आठ और तेरह कितना हो जाएगा सर आठ और तेरह तेरह प्लस आठ आठ तीन ग्यारह इक्कीस तो इक्कीस को फोर्टी टू से निकालेंगे तो इक्कीस इज द करेक्ट आंसर ट्वेंटी वन इज़ द आंसर हम खाली ये पाँच निकालने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा ठीक है ये पाँच कैसे निकालते है? और कोई दिक्कत था नहीं सर और कोई दिक्कत नहीं था बहुत ही आसान सा था आपको खाली एक्स वॉइस जेड लेके पाजल नहीं होना है ये बहुत ही आसान सा है ज्यादा पेचीदा भी नहीं है ठीक है सर चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आज के लिए बस इतना ही रखते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आएंगे ये सोशल साइट्स ऑफ एस एस सी मैथ होना है आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो क्या आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना वो मोटिवेट करता है एक टीचर को ठीक है लिखना कि सर हाँ सेशन अच्छा लगा बुरा लगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा मुझे ये समझने में दिक्कत हुआ ठीक है आपको कहाँ समझने में दिक्कत हुआ या फिर कहीं पे समझने में दिक्कत नहीं हुआ इस टाइप का एग्जाम्पल्स आपको करना है क्या दिक्कत हो रहा है क्या नहीं करना है आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ठीक है थैंक यू बाय स्टेट फॉर द नेक्स्ट क्लास